वालेकुम वेलकम टू प्योर कुकिंग वीडियो में मैं इफ्तार स्पेशल माश की दाल के दही बड़े या दही भल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ देख सकते हैं आप ये कितने मज़ेदार बने हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कितने फ्लफ़ी और इस्पॉन्जी बने हैं तो देखिए इसके लिए 250 ग्राम माश की दाल को धोकर मैंने दो से तीन घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था अब हम इसको पीस लेंगे बिना पानी के ही पीसना है पानी इसका डिस्कार्ड कर दें अब ग्राइंडर के जार में मैंने दाल डाल ली है इसमें एक इंच की जिंजर और एक हरी मिर्ची ऐड करेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें और इसका अब हम एक पेस्ट बना लेंगे अब देखिए पेस्ट तैयार है इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी एयर बन जाए अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है हॉट ऑयल में ये वड़ों को तल लेंगे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है नहीं तो बाहर से कर, ये क्रिस्पी हो जाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे तेल गर्म होना चाहिए उसके बाद में स्टोव की फ्लेम मीडियम कर दें फ्राई करते वक्त बड़े और ये बड़े हम बैचेस में फ्राई करेंगे और क्योंकि ये की दाल के हैं तो इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा बहुत ही गोल्डन सा सुनहरी सा कलर इस पर आएगा तो एक बार ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी होते हैं ये दही वड़े की रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये दही वड़ा तो देखिए अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब हम इनको निकाल लेंगे तो इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे इतना ही इनका कलर आएगा क्योंकि माश की दाल वाइट होती है अब निकाल लेंगे इन वड़ों को अब निकालने के बाद में अब हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे सेम वे में तो तीन बैचेस में मैंने ये वड़ों को फ्राई कर लिया है मैं बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ आपको पता है तो इसीलिए मैं थोड़े तेल में ही बैचेस में फ्राई करती हूँ अब ये मैंने एक बड़े से बर्तन में खुले बर्तन में सारे वड़े डाल दिए थे अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक पाँच मिनट के लिए इसे रख देंगे देखिए अब अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया है पानी अभी हम बड़ों बड़ों में से इस तरह से स्क्वीज़ आउट कर लेंगे एक्स्ट्रा पानी और ये दही है 400 ग्राम के ख़रीब दही है इसमें हम टू टेबल स्पून शक्कर डालेंगे मैंने कम डाली है लेकिन आप टू टेबल स्पून शक्कर ही डालें और जिस बर्तन में आपको सर्व करना है उसमें बड़े डाल दें और उसके ऊपर से ये दही डाल दें तो मैंने तीन डिशेस में ये सर्व किया है ये हरी चटनी है हरी चटनी और ये इमली की चटनी है ये दोनों चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो अब हम ये चटनियाँ इस पर ऐड करेंगे पहले इमली की चटनी और उसके बाद में हरी चटनी तो बहुत ही मज़ेदार पुदीने की चटनी होती है ये ये दोनों चटनियों की रेसिपी का लिंक मैं शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर लें और चटनी डालने के बाद में थोड़ा सा हम इनको फैला लेंगे चटनियों को दही में तो जैसे मैंने कहा बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी ये दही भले बनते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए अब इसके ऊपर से लास्ट में हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है आप चेक कर सकते हैं मैं लिंक शेयर कर दूंगी या फिर आप रेडीमेड चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं तो तीन बैचेस बने हैं मेरे पास में ये दही बड़े के तो टेस्ट दही बड़ा अगर अच्छा लगा इस वीडियो में तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए देखिए कितना स्पॉन्जी और फ्लफी दही बड़ा बना है